चेक कर लो सब, बस ठीक है सब। ओके विक्रम जी, पहले तो आप अपनी तरफ से जानकारी बताएं अब तक की क्या है। गणेश ऑडियो चेक कर, थोड़ा बूम नीचे, बूम नीचे थोड़ा। भाई साहब एक मिनट यार, शांत होकर बात कर लो यार, लोगों को भी बोल रहा भाई साहब बूम नीचे कर, एक बार थोड़ा सा सेट हो जाए। चलो हो गया, सेट हो गया सर, आप बताइए सर। स्टार्ट करूँ? हाँ सर बताइए बताइए सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सलमान खान को जेसी हुई, जेसी के बाद में पुलिस द्वारा जेल पर लाया गया, तो जेल में जो प्रक्रिया निर्धारित है उनको अंदर किया गया और उनका प्रवेश किया गया। मैंने समाचारों में और फ़ोन बहुत आ रहे हैं कि उनका नंबर क्या है, उनका नंबर 106 है, 106। उनको फिर अंदर ले जाया गया और उनकी फिर अंदर सारी एंट्री करके उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में वो ठीक हैं, थोड़ा सा बीपी हाई था तो उसके लिए अब दोबारा चेक किया गया तो बीपी नॉर्मल है और हर तरीके से वो ठीक हैं। उनको फिर एक वार्ड में, दो नंबर वार्ड में रखा गया है। उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई जो नियम विरुद्ध हो या कोई उन्होंने डिमांड अभी तक नहीं की है। बाकी उनके साथ जो थे, शायद शेरा नाम है उनका, वो उनके कपड़े दे के गए थे, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी भी लेके गए थे, लेकिन चूंकि सजायाफ्ता बंदी को नहीं देते हम बाहर से तो वो नहीं दिया गया। बाकी उनके कपड़े उनको दिला दिए गए। बाकी सजायाफ्ता बंदी को जो जेल में चीज़ें दी जाती हैं, कपड़े भी उनमें से एक हैं, उनकी वर्दी होती है, तो वो भी हम सुबह तक उनको अलाउट कर देंगे और फिर वो उसी में रहेंगे। दवाइयां भी आज खाने के मेनू में क्या है, अभी तक कुछ खाया है नहीं? खाने के मेनू में अभी तक तो उन्होंने खाया नहीं है, हालांकि खाने के मेनू में दाल थी, चने की दाल है और पत्ते गोभी की सब्ज़ी है और उनको दे दी गई है। शायद सुबह से भी उन्होंने कुछ खाया नहीं है ऐसा सुना है, लेकिन हो सकता है वो अभी खा लें, वो अभी तक कुछ नहीं खाया है। नहीं, चुपचाप बिल्कुल नहीं है और ठीक है। जो जेल में आने का एक डिप्रेशन होता है वो है उनमें भी, बाकी इतना नहीं है कि कोई चिंता वाली बात हो। सर सलमान खान को थ्रेट था जेल के अंदर, जो आपने सिक्योरिटी मेजर्स बनाए? हाँ जी, हाँ जी, ये जो सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो लॉरेंस तो चूँकि भरतपुर में है और उसके जो गैंग के कई आदमी हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो सब हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में हैं तो उन वार्ड से उनको वहाँ आने की अनुमति नहीं है। फिर भी हमने 3 स्तर की व्यवस्था की है कि वहाँ तक पहुँचने में कम से कम उनको 4 जगह सुरक्षा को पार करना पड़ेगा। जब कोई पहुंच पाएगा तो हमने यहाँ तक कि हमारे स्टाफ को भी बिना की इजाज़त के वहाँ नहीं जाने दे रहे, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा कोई खतरा नहीं। विक्रम जी, क्या सलमान के साथ कोई और भी है? और दूसरा, क्या उनको जमीन पर सोना पड़ेगा या बैठ? जमीन पे देखो, शायद भारत की किसी जेल में ये व्यवस्था नहीं है, सभी जेलों में जमीन पे सोना पड़ता है। उसके लिए उनको ब्लैंकेट दे दी गई है, 4 ब्लैंकेट दी गई हैं और सोना तो नीचे ही पड़ेगा और खाना भी, जेल के बर्तन भी दे दिए गए हैं, खाना भी उन्हीं में खाना पड़ेगा। आशाराम जी के साथ नहीं है सर, कल का आशाराम जी अलग हैं, वो उनके वार्ड में है। वार्ड में है। अच्छा सर, आपने बताया कि कुछ बीपी की समस्या थी, तो किस तरह की थी? अब थोड़ा सा बीपी क्या होता है, जैसे जेल में बंदी जब नया नया आता है तो थोड़ा बीपी सभी के बढ़ जाता है, ये एक यानी नेचुरल चीज है, जैसे थोड़ी चिंता होती है तो उसी हिसाब से था, बाकी अब नॉर्मल है। सर कोई बातचीत थी आपके साथ? हमने आपके फोटोग्राफ देखे, आपके साथ सामने कुर्सी पर बैठे हुए। नहीं नहीं, वो क्या हुआ था कि जैसे जब शुरू में उनका लाया गया था तो गेट में बैठे हुए थे हम, अंदर कोई नहीं था, वो वहीं गेट में ही, क्योंकि गेट में भी आमद करनी पड़ती है बंदी की कि ये बंदी आया, तो वहाँ भी कुछ लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसी समय का है। वो कोई पुलिस भी साथ थी, सुरक्षा गार्ड भी साथ थे, उनमें से किसी ने बना लिया। क्या बातचीत हुई होगी? बातचीत तो यही होती रहती है, भाई देखो मैं तो पहले भी 3 बार आया हुआ हूँ जेल में जी, और ऐसा कोई नई बात नहीं है जोधपुर जेल। बाकी उन्होंने कहा कि राजस्थान से मेरा विशेष लगाव है, तो वो क्यों है ये पता नहीं। सर बाकी कि राजस्थान से मेरा विशेष लगाव है और क्यों है ये मेरे को भी नहीं पता, तो
अब वो कहते हैं कि राजस्थान है, जयपुर है और जोधपुर है, मेरे को विशेष पसंद है और लगाव है, लेकिन इस घटना से ऐसा नहीं कि मेरा लगाव कोई कम हो जाए। कोई स्पेशल डिमांड्स करी उन्होंने या उनकी स्पेशल डिमांड? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया उन्होंने कोई डिमांड अब तक नहीं की। सर, तो बाकी क्या बात पता है या उनको अकेले जुगाड़ बताएंगे? सर, दूसरे कैदी भी रूम जो उनका जो कमरा है जहां पे रखा जाए, हां वहां उसको अभी अभी किसी कैदी को नहीं रखा गया है, अकेले अभी अकेले। सर, बाकी जो कैदी हैं क्या मायने उतार है? अगर बात की जाए तो पिछली बार टॉयलेट वाले ने कहा था टॉयलेट रूम में घुसा हुए क्या? नहीं, टॉयलेट की बात हुई थी, रूम में घुसा हुए क्या? टॉयलेट की बात हुई थी और वो इस बार भी कह रहे थे, इस बार भी कह रहे थे कि टॉयलेट की व्यवस्था हुई या नहीं हुई। ये मैंने कहा आपने शायद पिछली बार बोला था, तो वो कह रहे थे कि मैंने गीजर का भी कहा था और जो बंदी हैं जिनके जुर्माने की वजह से छूट नहीं पाते उनके लिए भी कहा था, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार कर देना, कोई खास विक्रम जी वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा उनको, अब इसका अब करने नहीं करने का वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा सलमान को या इंडिपेंडेंट कोई है? इंडिपेंडेंट जो बैरक में होता है वो तो इंडिपेंडेंट ही होता है, बाकी जो बाहर कॉमन ही है लेकिन उस बाड़े में नहीं हाँ, सभी बैरक्स में बाथरूम होता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि जैसे थोड़े इनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, थोड़ा हाई प्रोफाइल होते हैं तो इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, तो अलग कमरे में रखते हैं तो उनके लिए अकेले के लिए हो जाता है, बाकी यदि इसमें 5 बंदी और रहेंगे तो वो भी रहेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि 4-5 बंदी कम से कम उनके पास रखें, क्योंकि अकेले को रखना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं। तो उसी वार्ड में रखेंगे आप? हाँ, उसी कमरे में, वार्ड में क्या, उसी कमरे में। लेकिन वो आसाराम बापू का वार्ड है? नहीं, आसाराम बापू का वार्ड नहीं है वो, वार्ड तो जेल का है वो। हाँ नहीं, आसाराम बापू उसमें रहते हैं वार्ड में, कमरा है उनका भी अलग से। बाकी कैदियों में किस तरह के कैदी रखेंगे? बाकी कैदियों में जैसे आम जनता में उत्साह है वैसे बाकी कैदियों में भी उत्साह है, लेकिन हमने क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए उधर नहीं जाने दिया, बाकी यदि उनमें थोड़ा बहुत उत्साह है तो थोड़ा देख के सुरक्षा को ध्यान में रखे, उनके उत्साह की भी पूर्ति करने की कोशिश। पानी के लिए बताता हूँ, पानी पीएचडी का पी रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह, और अपने जो पीएचडी जोधपुर सप्लाई कर रही है वही पानी दिया जा रहा है, और वो बिना किसी बिस्लेरी के डिमांड के वो पानी खूब पी रहे हैं। कैदी जेल खुलने के साथ ही उड़ जाते हैं और जेल खुलने का टाइम लगभग 6:45। मच्छर जोधपुर जेल में वैसे कम है, और बाकी जैसा मैंने अभी घंटे डेढ़ घंटे में साथ रहा तो रफ्टअप आदमी है, इतना घबराने वाला आदमी लगा नहीं मेरे को। मैं यही बता रहा था आपको, उन्होंने बताया कि मेरा जोधपुर और राजस्थान से विशेष लगाव है, तो मान लो ये मेरे को कोई अपराध भी यदि मान लो सजा भी दे दी तो ये कोई मतलब नहीं है कि मेरा, मैंने पूछा कि कहीं जोधपुर से अब तो नहीं लगाव कम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कोई बात नहीं। पिछली बार जब आए थे तो पेंटिंग्स बनाए थे, क्या उनका प्लान नहीं है, उनके वकील वगैरह का प्लान होगा कोई जमानत लगाने का तो वो लगाएंगे। फैमिली वाले को मिल पाएगा? फैमिली जेल मैनुअल के हिसाब से कल ही मिल सकते हैं फैमिली वाले, क्योंकि मिल पाएंगे अब वो जितनी बजे आते हैं हम देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से कब अलाउ किया जाए उनको। वकील कभी भी मिल सकता है क्योंकि इनके अब जमानत लगाई जाएगी तो मिलना जरूरी होता है, तो वकील मिल सकता है। बिल्कुल, नाश्ते का प्रावधान है और नाश्ता 6 दिन में 6 तरीके का दिया जाता है। कल का क्या है? और पौष्टिक नाश्ता दिया जाता है। कल का मेन्यू में शायद मीठा दलिया है और चाय है, तो वो दी जाएगी। सर, वो जिम का शौक है सर, जिम की नहीं, नमक के लिए हमने नमकीन खिचड़ी भी है अलग से, वो कल है, परसों है। सर, पिछली बार सलमान खान बैरक में दिन पहले थे, उन्होंने चित्र पेंटिंग भी की थी, अभी तो शायद नहीं पहला है, अब सुबह देखेंगे पहलते हैं नहीं पहलते। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक वी आर डन विद आवर क्वेश्चन। सर, विक्रम जी आपने बताया जेल मैनुअल के हिसाब से एक हफ्ते में कितनी बार मिल सकते हैं परिवार? हफ्ते में परिवार जो परिजन होते हैं वो एक बार मिल सकते हैं, लेकिन यदि कोई बंदी नया आता है और उसकी जमानत और इससे संबंधित और वकील तो कितनी भी बार मिल सकता है, खासकर उनके प्रकरण में जानकारी के लिए, क्योंकि यदि वो मिलेगा नहीं तो फिर कैसे काम होगा। आपके जेल में मच्छर क्या है? मच्छरों का तो अब गणना तो नहीं की, लेकिन मेंटल ट्रॉमा तो सभी के साथ होता है, इनके साथ भी था और उदास तो थे, लेकिन उदासी से यानी अब काफ़ी हद तक उभर गए हैं। ये मेन्यू तो बता दिया आपको, नहीं प्राइवेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो बिना ट्रीटमेंट ही 2 बार हमने उनको चेक करा दिया, बिल्कुल ठीक। कौन से वार्ड में है? वार्ड मैंने जैसा बता चुका है कि वार्ड नंबर 2 है, नंबर उनका 106 है। आपने बताया कि वो बीपी हाई हो गया था? नहीं नहीं, बताया ना मैंने आपको, बीपी सिर्फ जब कोई अंदर आता है तो बीपी हाई हो ही जाता है, जैसे एग्जाम में होता है, और जेल के नाम से तो वैसे भी हाई रहता है बीपी, क्योंकि वो तो बंदी हैं, हम तो कर्मचारी, हमारा ही हाई रहता है, तो
उसलिए वो थोड़ा बातें किस तरह की हुई सर? हाँ वही बता रहा हूँ, वो राजस्थान से बड़ा प्यार है उनको और जयपुर जोधपुर से विशेष लगाव है, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने पूछा है, मैंने कहा कम हो जाएगा कि नहीं ऐसा कोई बात। देखो बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली जेल में जो आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ढीली हो जाती है, क्योंकि आदमी जेल में आना ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होता है। अब चाहे वो दोषी हो फिर भी आते हैं, तो चूंकि मेंटल ट्रॉमा तो सभी के साथ होता है, इनके साथ भी था और उदास तो थे, लेकिन उदासी से यानी अब काफ़ी हद तक उभर गए हैं। ये मेन्यू तो बता दिया आपको, नहीं प्राइवेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो बिना ट्रीटमेंट ही दो बार हमने उनको चेक करा दिया, बिल्कुल ठीक है। कौन से वार्ड में है? वार्ड मैंने जैसे बता चुका है कि वार्ड नंबर 2 है, नंबर उनका 106 है। आपने बताया कि वो बीपी हाई हो गया था? नहीं नहीं बताया ना मैंने आपको, बीपी सिर्फ जब कोई अंदर आता है तो बीपी हाई हो ही जाता है, जैसे एग्जाम में होता है, और जेल के नाम से तो वैसे भी हाई रहता है बीपी, क्योंकि वो तो बंदी हैं, हम तो कर्मचारी, हमारा ही हाई रहता है, तो उसलिए वो थोड़ा बातें किस तरह की हुई सर? हाँ वही बता रहा हूँ, वो राजस्थान से बड़ा प्यार है उनको और जयपुर जोधपुर से विशेष लगाव है, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने पूछा है, मैंने कहा कम हो जाएगा कि नहीं ऐसा कोई बात। फ्री 24 तास रहा एक पाउल बूढ़े।